नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। धर्म प्रोडक्शन की एक अधिकारी हैं श्रीमी वर्मा, वो कह रही हैं कि जो भक्त होते हैं, जो संगी होते हैं, उनका जो गुप्तांग होता है वो बहुत छोटा होता है। अब मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा इंची टेप लेकर के और कितने भक्तों और कितने संगियों के गुप्तांग को नापा है, लेकिन इनकी बुद्धि का दायरा बहुत ज़्यादा छोटा है। आपको पता होना चाहिए कि करण जौहर की हालत पहले से ही बहुत ज़्यादा पतली है। 300 करोड़ से लेकर के बता रहे हैं 400 करोड़ तक का बजट, अभी जो नई मूवी ब्रह्मास्त्र आ रही है इसमें, इसके डायरेक्टर ने लगभग 7 साल की मेहनत इस फिल्म को बनाने में की है। मुझे भी लगा था कि इसमें देवा देवा गाना है, इसमें हनुमान जी को दिखाया गया है, इसमें क्योंकि ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि इसमें सबसे पहले अवतार अग्नि का स्वरूप दिखाया गया है, हो सकता है इसकी पूरी पूरी सीरीज बने, हो सकता है कि हमारे सनातन वैदिक धर्म की जो वैदिक रीतियां नीतियां और उनका जो विज्ञान है उसके ऊपर कुछ फिल्म को लेकर के बनाया गया होगा। मैंने सोचा भी था कि इस फिल्म को मैं देखूंगा, लेकिन लगातार इतनी सारी बातें सामने चली आ रही हैं कि फिल्म को देखने का तो छोड़िए, अब तो इसके विषय में बात करने तलक का मन नहीं होता है। इन सब विषयों पर हम चर्चा करेंगे और बात करेंगे कि क्यों आखिरकार एक सामान्य हिंदू, एक सामान्य भारतीय को भी ये लोग मजबूर कर देते हैं अपना बायकॉट करने के लिए। इससे पहले कि दोस्तों आज के विषय पर हम आगे बढ़े, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि सनातन हाट पर एक बार फिर से श्री राम मंदिर मॉडल, जो छोटा मॉडल है, और जो 12 ज्योतिर्लिंग है, एक बार फिर से वापस आ चुका है, जो कि पिछले दिनों आउट ऑफ स्टॉक हो चुका था। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि हम ब्रह्मास्त्र का बायकॉट क्यों करें। हमने देखा किस प्रकार से शमशेरा, यानी कि उसी रणवीर कपूर की यह फिल्म है जिसकी की ब्रह्मास्त्र है। इस व्यक्ति ने अब से पहले क्या बयानबाजी की है, हालांकि इनके जो पिताजी हैं उनका दाऊद के साथ में बहुत अच्छा संबंध रहा है। मैंने आपको एक बात एक वीडियो में कही थी कि आप ये देखिए कि कपूर साहब के लिए और आलिया मैम के लिए जो फिल्में आ रही हैं उनका बजट कितना तकड़ा है और इनको फंडिंग कौन कर रहा है। इन सब के पीछे यदि आप जाएंगे तो आपको एक नेक्सस मिलेगा, क्या वजह थी कि हिंदू द्रोही और इस्लाम का पैगंबर बनने के लिए बहुत अधिक इच्छुक महेश भट्ट और दूसरी तरफ डी कंपनी का सबसे नज़दीकी ऋषि कपूर, दोनों वो लोग जो हिंदुओं को हमेशा नीचा दिखाने में लगे रहे, दोनों के दोनों वो लोग जिन्होंने हमेशा ये कहा कि हम गोमांस खाते हैं, हमें बड़ा लजीज लगता है, वो हमें खुशी खुशी पचता भी है, ऐसे लोगों में ही ये रिलेशन क्यों बना है। कपूर का पहले भी कई महिलाओं के साथ में चक्कर चला है सीधे कहें तो, लेकिन रिश्ता एक ही लड़की के साथ में बनता है और वो भी दोनों के पिताओं की आइडियोलॉजी एक है। इसका कारण कहीं ना कहीं उस दाऊद वुड से जुड़ता है जो इन सब फिल्मों में हिंदुओं को बदनाम करने के लिए पैसा लगाते हैं। शेम शेरा में भी आपने देखा किस प्रकार से शिखाधारी त्रिपुंडधारी एक इंस्पेक्टर को दिखाया गया जिसको मुंह से खूब गालियां निकलती हैं, जो बहुत क्रूर है, अंग्रेजों का चाटुकार है और भारत की आजादी के खिलाफ है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से पीके में एक छोटे से कैमियो में आपने रणवीर को देखा कि जिस समय पर पीके आमिर खान यहां से जा रहा होता है कपूर साहब वापस आ रहे होते हैं और फिर उनको एक टैग मिलता है और वही हिंदू द्रोही टैग। कहा जा रहा है कि पीके 2 में अब कपूर साहब एक्टिंग करेंगे और वो क्या एक्टिंग करेंगे और वो क्या दिखाएंगे, क्या प्रदर्शित करेंगे, ये आप और हम सभी जानते हैं। किस प्रकार से रेडी मूवी में शिखा काटते हैं, खतना नहीं काट रहे हैं, ऐसा दर्शाया बताया जाता है। किस प्रकार से दबंग में हनुमान जी की पूजा करते हुए हत्याओं के आदेश हो रहे हैं, किस प्रकार से बॉलीवुड ने अब तक जितने भी महिलाओं को मॉलेस्ट करने वाले लोग हैं उनको या तो ओम नमः शिवाय चैंटिंग करते हुए दिखाया जाता है या देवी की पूजा करते हुए दिखाया जाता है। जिस प्रकार से अमिताभ बच्चन, जो कि इस फिल्म का भी एक हिस्सा है, उनके हमने काफी सारे ऐसे फिल्म के सीन देखे हैं जिसमें वो सीधे सीधे भगवान को धमकी दे रहे हैं। वो व्यक्ति जो मंदिर नहीं जाता, प्रसाद नहीं खाता और वो सीधे सीधे 786 को पवित्र मानता है, वो व्यक्ति ब्रह्मास्त्र में आपको चमत्कार करते हुए दिखाई देगा। ये वही ब्रह्मास्त्र मूवी है जिसके एक सीन में आप देखेंगे कि मंदिर में उछल कर कूद करके घंटी बजाते हुए कपूर साहब दिखाई देते हैं और जिनके पैरों में जूते हैं।
इसी प्रकार का आरोप कार्तिकेय 2 पर भी लगाया गया था, लेकिन कार्तिकेय 2 में जहां पर कार्तिकेय ने जूते पहने हुए हैं वो कोई मंदिर नहीं बल्कि स्नानागार था। अर्थात जो आरोप आप पर लगे हैं वो दूसरे पर भी लगे, क्योंकि लोग उसका सपोर्ट कर रहे हैं भले ही उस पर वो आरोप सिद्ध हो अथवा ना हो, लेकिन रूमर तो फैल ही जाएगा, लेकिन फैल नहीं पाया। कार्तिकेय 2 ब्लॉकबस्टर साबित हो रही है, लोग उसको काफी पसंद कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ये वही फिल्म है जिसमें आलिया भट्ट है। आलिया भट्ट यानी कि इनके जो पिताजी हैं महेश भट्ट साहब, इनको हमने कई बार देखा है इस्लाम को प्रेज करते हुए, पैगंबर को प्रेज करते हुए, गोमांस खाने के लिए लोगों का आवाहन करते हुए, यही नहीं हिंदू द्रोह में पागल यह व्यक्ति ताज होटल के ऊपर होने वाले हमले को हिंदुओं की साजिश बता देता है, आरएसएस की साजिश बता देता है और कसाब को बचाने का कार्य करता है। इसका एक लड़का भी है, यह लड़का डेविड हेडली का हैंडलर माना गया है और यह व्यक्ति कई बार जेल जा चुका है, यानी कि आतंकवादी परिवार से ताल्लुक रखने वाली लड़की इस फिल्म में एक्टिंग कर रही है। उसके बयान पर मैं वापस से आऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ और भी झलकियां देख लीजिए। आपका जो मन है वो और ज्यादा करेगा कि इस फिल्म का बायकॉट क्यों करना चाहिए। आपको पता है घोंसले वाली आंटी है, घोंसले वाली आंटी का जिक्र अक्सर मैं करता रहता हूं और यह हिंदू द्रोह से भरी पड़ी है। अब आप ये संयोग नहीं प्रयोग है इस वाक्य को यहां पर कह सकते हैं, किस प्रकार से बीफ खाने वाले का रिश्ता बीफ खाने वाले से हो रहा है, किस प्रकार से मुस्लिम प्रेमियों का रिश्ता मुस्लिम प्रेमियों के यहां पर हो रहा है, किस प्रकार से दोनों के दोनों हिंदू नामधारी हैं और किस प्रकार से आतंकवादी गतिविधियों में शामिल लोगों का बचाव करने वाली ये घोंसले वाली आंटी यानी कि राणा अयूब, जो कि गरीबों का काफी सारा करोड़ों रुपया डकार चुकी है, यह महिला महेश भट्ट के घर जाती है, वहां पर फोटो सेशन होता है बाकायदा और वहां पर इसको प्रेज भी किया जाता है, आगे प्रमोट भी किया जाता है। क्या वजह है, क्या कारण है? क्या महेश भट्ट की फैमिली में आप, हम या कोई भी सामान्य असामान्य पत्रकार जा सकता है? क्या आपने कभी किसी भी राष्ट्रवादी पत्रकार को वहां पर जाते हुए देखा है? कभी नहीं देखा होगा। लेकिन हमारी राणा अयूब मैम, इनके ऊपर भट्ट परिवार का पूरा प्यार बरसता है और ये मैम उससे सराबोर होती हैं और हिंदू द्रोह में वापस एक बार फिर से संलिप्त हो जाती हैं। सबसे बड़ी बात, वो वीडियो क्लिप तो आपने बार बार देखा होगा जिसमें कि आलिया स्वयं कह रही हैं कि भाई आपको अगर मैं पसंद नहीं हूं तो मेरा काम मत देखो, मेरी वीडियोज मत देखो, मेरी फिल्में मत देखो। अब आप जरा सोचिए कि हिंदू द्रोह से भरे हुए, हिंदू संगठनों से द्रोह से भरे हुए, द्वेष से भरे हुए, क्रोध से भरे हुए इन सब लोगों की फिल्में हम क्यों देखें? आप बताइए कि ये वही करण जौहर नहीं है क्या जिसकी कि स्टूडेंट ऑफ द ईयर मूवी आई थी और जिसमें कि राधा जी का नाम लेने पर हिंदुओं ने काफी विद्रोह किया था, लेकिन फिर भी ये लोग नहीं माने और वो गाना बना करके छोड़ा। मैं श्रीमी वर्मा से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने कितने संघियों के साथ में यह प्रयोग करके देखा और कितने ही न जाने बेचारे जिनका दिल इस बात से टूटा होगा कि बिना किसी टेस्ट के, बिना किसी प्रयोग के, एक्चुअली तो देखिए महिला आयोग है लेकिन पुरुष आयोग नहीं है और इस वजह से उनके विषय में ऐसी बातें कही जा सकती हैं, कह देते हैं लोग। क्या कोई भी पुरुष इस प्रकार से एक पूरे के पूरे वर्ग को टारगेट कर सकता है कि उनके फलाने अंग या ढिकाने अंग या उनके बाल छोटे होते हैं या कुछ भी, सर के बाल ये छोटे होते हैं, कोई कह सकता है क्या? उनके ऊपर तुरंत अभियोग लग जाएगा, लेकिन इन मैम के ऊपर कुछ नहीं लगेगा। और सबसे बड़ी और गंदी बात यह है कि श्रीमी वर्मा जी के स्वयं के पिता एक संगी हैं। अब मैम ने अगला बयान दिया कि मैंने यह बात संगियों की माताओं से पूछी और उन्होंने बताया कि संगियों का जो प्राइवेट पार्ट होता है वो बहुत छोटा होता है, यानी कि इनको अपने पिताजी पर शक हुआ होगा और उनकी बिटियां ये स्वयं है और इन्होंने अपनी माताजी से पूछा होगा और इनकी माताजी क्योंकि उन्होंने तो सब कुछ देखा ही है तो उन्होंने ही श्रीमी वर्मा जी को बताया होगा। अगर लॉजिकली बात देखी जाए तो यह कितनी गंदी बात है, गलत बात है, शर्मनाक बात है। श्रीमी वर्मा जी, आपका तो देखिए कुछ नहीं जाएगा, आप तो एक महिला हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है, बल्कि आपको कोई हो सकता है कि कोई रास्ता दिखाने वाला या आपको कुछ अकल बताने वाले व्यक्ति के ऊपर ही आप ऊपर से उल्टा अभियोग लगा दें। लेकिन आपने जो बयान दिया है और धर्मा प्रोडक्शन से क्योंकि आप जुड़ी हुई हैं, उन बिचारों की लंका लग जाएगी, क्योंकि इस फिल्म का तो बायकॉट होना ही होना है।
आपने जो कहा वो हो सकता है आपका अनुभव हो सकता है आपके घर से आपको इस प्रकार के संस्कार या इस प्रकार का कोई क्लू मिला हो, सबूत मिला हो, लेकिन यह बात कहकर के आपने करण जौहर की तो लंका लगवा दी है। इस प्रकार की ये मेजरमेंट्स के चक्कर में आकर के आपने गलत समय पर यह बात कही है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से करीना कपूर खान को, जिस प्रकार से आमिर खान को, जिस प्रकार से उससे पहले शमशेरा जैसी मूवी और लगातार पूरी की पूरी लिस्ट है, इन सब की वाट लगी है। ठीक उसी प्रकार से आपने भी आखिरकार न जाने किस चीज़ का बदला आखिरकार करण जौहर से निकाल ही लिया है। मैं तो इस फिल्म का बायकॉट ही करूंगा और बायकॉट करने के लिए ही कहूंगा, आपका जो मंत्रणा है, जो आपका विचार है, वो हमें नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे, तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।